बन गबरू ना कर साइड पे कर तू समझा गया भाई। मास्क धोने में डाल दे यार, ये इतना गीला क्यों है, कहीं पानी में मुंह मार के आए क्या? अबे पसीना है। पसीना पसीना बेटा ये पूरी करके देना। श्योर गोल गोल पूड़ी बनाऊंगा तेल लगा के। देखो क्या मस्त लिए फूल गई ना। बाय क्या तेल लगा दे भाई बालों में प्लीज। 100 रुपये पेटीएम करेगा? नहीं पेटेगा। कितना स्वेटी फेस है यार तुम्हारा। दूसरों को किस करने के बाद इतना स्वीट लगता है और तुम्हें किस करने के बाद इतना नमकीन नमकीन लगता है। नमकीन सॉरी यार मुझे बात एक मिनट, औरों को किस करती हूँ मतलब स्वीट लगते हैं उनके लिप्स मतलब? तुम निकलो मेरे घर से, निकलो मेरे घर से बदतमीज लड़की। हे भगवान, दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है, कोई खुदा का नेक बंदा है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो मेरे ऑयली फेस की मदद कर सकता है? भगवान सुन रहा है ना तू? रो रहा हूं मैं। अरे अपार भाई क्या मस्त एंट्री नहीं मारी, एक बार फिर से मारो ना, वैसा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन एंट्री फिर से मारो। इस बार भी बेकार एंट्री थी, टिकटॉक वाली एंट्री मत मारो, ओरिजिनल कंटेंट वाली एंट्री मारो ना भाई, मजा नहीं आया। कर खुद की कदर और मत कर सफर, आया अर्बन गबरू ना कर स्टाइल की फिकर तू, आया अर्बन गबरू ना कर स्टाइल की फिकर तू, समझा गया? देख भाई अब तेरा भाई अपार यहाँ पे आ चुका है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बता कि तू सबसे पहली चीज उठने के बाद क्या करता है? मैं सबसे पहले उठता हूँ फिर थोड़ी देर के लिए फिर सो जाता हूँ। अबे वो तो ठीक है लेकिन जब फाइनली उठ जाता है उसके बाद क्या करता है? उठने के बाद मैं वॉशरूम वगैरह जाता हूँ और उसके बाद फोन वोन पे लग जाता हूँ, बस यही सब। ठीक है तो देख सबसे पहला स्टेप आता है अपना साफ सफाई का, जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट कर जाते हैं, खासकर जिनकी ऑयली स्किन है। अब पता क्या होता है, हम रात को जब सो रहे होते हैं ना तो रात भर में ऑयल कलेक्ट होता है अगर हमारी ऑयली स्किन है तो। हाँ ठीक है ठीक है, वो ऑयल कभी दिखता नहीं है, अगर तू मिरर में जाकर देखेगा तेरे को ऑयल दिखेगा नहीं। और हम गलती क्या करते हैं, हम सीधा स्टेप टू पर चले जाते हैं, हम सीधा फेस वॉश कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो तुझे करनी है, तेरा पर्सनल टिश्यू होगा, तेरा पर्सनल वाइप होगा या टाल होगा, हैंकी होगा, कुछ भी तेरे पास अपना है ना, उससे अपने फेस को पहले वाइप कर ले। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। उसके बाद तो हैंकी में टिश्यू में देखेगा ना गंदगी तेरे को दिखेगी, वो डायरेक्टली नहीं दिखती है लेकिन ना उस चीज़ पे दिखेगी। इसके बाद क्या होगा, तेरे पोर्स तेरी स्किन साफ हो जाएगी, नेचुरली ड्राई हो जाएगी। उसके बाद तो अगर फेस वॉश करेगा ना तो ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इन शॉर्ट फर्स्ट स्टेप ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो स्किन है ऑयली स्किन है वो सेकेंड स्टेप के लिए रेडी हो जाए और बेहतर रिजल्ट्स मिलें। समझा? समझ गया। तो अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, आइडिया तो लग ही गया होगा ना क्या स्टेप 2 क्या करना है। अबे अब हमें जाके फेस वॉश करना है। ठीक है अब देख मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग घर पे हैं तो हम वैसे थोड़ा लीनियंटली ले लेते हैं चीज़ों को, तो अगर तू ना भी नहाए, नहाते हुए फेस वॉश ना भी करे तो सिंपली फेस वॉश कर ले। तेरे को देख के वैसे ये लग रहा है कि तू रोज़ नहाने वाला बंदा है नहीं, लेकिन अगर नहाते हुए फेस वॉश करना है तो वो भी कर सकता है। इन शॉर्ट तुझे फेस वॉश करना है। और हाँ सोचने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रोडक्ट फेस वॉश वही लेना है जो खासकर ऑयली स्किन के लिए बना हो, जो खासकर ऑयली स्किन के लिए बनाओ। अच्छा एग्जांपल बता दो ना यार कौन सा यूज़ करूँ, इतने सारे फेस वॉश है तो बताओ ना। अबे ऑब्वियसली अर्बन गबरू का यूज़ करना भाई, खुद का प्रोडक्ट बता रहे हो, बहुत तेज हो। अबे प्रोडक्ट चिपका नहीं रहा हूँ, क्या मैं बाकी ब्रांड्स की चीज़ें रिकमेंड नहीं करता कभी तुम लोग को? अब समझने वाली बात यह है कि हमारा ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट देता है उसके बाद ही तेरे को मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देख ऑयली स्किन कब होती है, जब हमारी स्किन के अंदर एक्सेसिव ऑयल गंदगी इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो हमारा की ही यही हमारे फेस वॉश की सबसे खासियत यही है, उसके अंदर चारकोल है जो ड्राइंग एजेंट है, एप्पल साइडर विनेगर है, ये जब हमारी स्किन में जाते हैं तो ड्राइनेस क्रिएट करते हैं ताकि जितना भी ऑयल है वो गायब हो जाए, वो निकल जाए और हमारी स्किन नेचुरली ड्राई होती चले जाए और ऑयल को कंट्रोल करे। ये लॉजिक हमारे फेस वॉश के पीछे,
इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर दूसरी बात करें तो तुझ गरीब की भी मदद हो जाएगी और मुझ गरीब की भी मदद हो जाएगी। वैसे सैलरी आ नहीं रही है, मार्केट थोड़ी डाउन है, तो दोनों भाइयों के लिए फायदा है, विन विन सिचुएशन है, क्यों? समझ गया। अगर तेरे पास तब भी इतना बजट नहीं है तो कोई और भी ले ले भाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑयली स्किन के लिए लियो। ठीक है। चलो मेरे भाई तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, नहीं तीसरा पॉइंट काम बिगाड़ेगा नहीं, काम सुधारेगा। अब तेरे को याद है मैंने पिछले पॉइंट में बोला था कि हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है जो ड्राई करेगी हमारी स्किन को, तो अब जो इंग्रेडिएंट मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, वो ड्राई तो करेगी ऑब्वियसली, उसके अलावा एक कूलिंग इफेक्ट देगी तेरी स्किन को, तेरा जितना भी एक्सेस ऑयल है उसको स्नैच कर लेगी, उसके अलावा फेयरनेस, ग्लो, ये सब चीज़ें भी तेरी स्किन को प्रोवाइड करेगी। और इस चीज़ को हम बोलते हैं फुलर्स अर्थ क्ले, यानी कि मुल्तानी मिट्टी है। काफ़ी डाउन टू अर्थ हो आप। तो मुल्तानी मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो नेचर है, वो ही ड्राइनेस। ऑब्वियसली बात है यार, अब मिट्टी मुंह पे लगाएंगे तो वो तो ड्राई होती है ना। हाँ ठीक है, तो उससे ड्राइनेस आएगी, फेयरनेस आएगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्किन को लेके। और अभी तो तू शुक्र मना भाई कि तू बाहर नहीं निकलता, तू बाहर निकलना चालू कर देगा ना तो पता बाहर वाला ऑयल कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी तो फिर भी घर पे जो हो रहा है वो हो रहा है, बाहर निकलेगा तो और ख़तरनाक है। तो अभी बेस्ट टाइम है, जितना कम बाहर जाओ उतना बढ़िया है। घर पे रहकर जितनी रेमेडीज़ फॉलो कर लोगे उतनी आपकी स्किन बढ़िया रहेगी। कुछ समझा? समझ गया। और मुल्तानी मिट्टी लगानी कब है? मुझे पता है तेरा अगला सवाल यही होगा। तो मुल्तानी मिट्टी तू वीक में दो बार लगा ले, बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत इतनी भी सूखी नहीं कर देनी है कि साला आता जाता कोई भी पापड़ समझ ले तेरी स्किन को। तो हफ्ते में दो बार लगा ले, लेकिन आधा घंटा उसको लगा के रख, उसके बाद मस्त जाके धो, देख के बढ़िया इफेक्ट आएगा। अब मेरे भाई बात करते हैं चौथे पॉइंट की, फोर्थ स्टेप की। अब यहाँ पे तेरे को यूज़ करना है एक टोनर, पर ना दिमाग खोल के सुन ले कि टोनर रामबाण है अगर हम ऑयल की बात करते हैं, ऑयली स्किन की बात करते हैं। टोनर ऑब्वियसली इसका जैसा नाम है, ये आपकी जो स्किन टोन है उस पर तो काम करता ही है, साथ ही साथ इसका मेजर बेनिफिट होता है जो आपके स्किन के पोर्स होते हैं ना उनको श्रिंक करता है, उनको छोटा करता है। अब ऑयली स्किन के साथ क्या होता है, उनके जो पोर्स होते हैं वो एक्सपेंडेड होते हैं, इसलिए ज़्यादा ऑयल बाहर निकलता है स्किन से। लेकिन टोनर क्या है, जो तेरा पीएच स्केल होता है ना, पीएच कलर होता है, स्किन कलर जो होता है उसको भी मेंटेन करके रखेगा, जो मैंने बताया पोर्स है उनको श्रिंक करेगा, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ऑयल स्किन से बाहर नहीं निकलेगा और ऑयल कंट्रोल होगा। बेसिकली ये भी ड्राइनेस के लिए ही काम आता है, तो टोनर ज़रूर लगाइए। अब जैसे तूने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने एक टोनर रेकमेंड किया था, वो लॉरियल वाला। हाँ वही लॉरियल वाला। अरे यार तुम स्पॉन्सर बताते रहो हैं और अपने नंबर बढ़ाते रहो, मैं बहुत छाती रहो यार। तू रहने में जा रहा, तेरे लिए स्कीम है ही नहीं। तू बेटा गुलाब जल लगा चल। अच्छा सॉरी बताओ। अब देख मैंने तेरे को टोनर के फायदे बता दिए, बेनिफिट्स बता दिए, अब बात करते हैं कि टोनर कितने तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक तो अल्कोहल वाला होता है जो कि इतना हार्मफुल नहीं होता। हाँ अल्कोहल है तो अल्कोहल ड्राइंग एजेंट होता है, जैसा मैंने पहले बताया था, वो भी ऑयल को सोखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है जो नेचुरल वाले टोनर्स आजकल आने लगे, तो वो भी खरीद सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस बता दूँ, यूज़ कैसे करना है। अगर तो तूने अल्कोहल वाला लिया या जो भी हमने कभी रिकमेंड किया वो वाला लिया, तो वो तू वीक में लगा चार बारी, इससे ज़्यादा मत लगाइए। लेकिन अगर तूने नेचुरल वाला भी लिया है तो वो तू रोज़ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का काम मोर और लेस सेम ही है, लेकिन हाँ क्विक रिजल्ट्स के लिए अल्कोहल वाला बेनिफिशियल होता है, लेकिन वो कम लगाइए, रोज़ रोज़ मत लगाइए। और कब लगाना, रात को सोने से पहले भी लगा सकता है, ठीक है, या फिर जब तूने फेस वॉश वगैरह कर लिया, नहा धो के बाहर निकला तब स्किन पे लगा और उसको भूल जा। हाँ चलो ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम हर दूसरा स्पॉन्सर उठा लेते हैं, जो हमें सही लगता है हम ट्राई करते हैं, रिजल्ट देते हैं, और जो आपके लिए काम आ सकता है ना वही उठाते हैं हम। समझा मेरे भाई, फीलिंग समझ मेरी? समझ गया। और हाँ, गुलाब जल वाली बात को ओफेंसिवली मत लियो, क्योंकि एक्चुअली मैं तो यूज़ कर सकता गुलाब जल, देख। और अगर टोनर नेचुरल यूज़ कर रहा है तो रात को तो गुलाब जल भी यूज़ कर सकता, कोई हार्म नहीं है, नेचुरल चीज़ों का कोई हार्म नहीं होता। ठीक है भैया। सर अब लास्ट पॉइंट में ना, मैं तेरे को दो तीन चीज़ें एक साथ फटाफट समझा देता हूँ, ठीक है। तूने एलोवेरा का नाम तो सुना ही होगा, वो जो लंबा सा हरा सा कांटों वाला कैक्टस जैसा दिखता है, वही ना? हाँ वही। तो क्या कर, मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है ना एलोवेरा उसको जड़ से ठीक कर देता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो भले ही वो जो नेचुरल प्लांट में से तू जेल लगा के निकाल के लगा सकता है, या फिर मार्केट में से नेचुरल कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो वाली जेल खरीद और उसको अपने फेस पे लगा ले, रोज़ रात को सोने से पहले लगा लिया, दिन में कभी भी टाइम मिलता है और तू घर पे है तो तब भी लगा सकते हो, उसका कोई हार्म नहीं है, बेनिफिट्स ही हैं बल्कि उसके। उसके अलावा दिन में तेरे को जब भी टाइम मिलता है ना फेस वॉश कर, लेकिन प्रोडक्ट मत यूज़ करियो। सिंपली वॉशरूम में गया तो लग रहा थोड़ा सा ऑयल है, पानी लिया, मुँह पर मारा, टॉवल से पैट ड्राई कर लिया, बस। हाँ ठीक है, दो तीन बार तू ये चीज़ दिन में कर सकता है, सो दैट थोड़ा थोड़ा ऑयल भी तेरी स्किन पर प्रेजेंट ना हो। कर लूँगा भैया। उसके अलावा हम बहुत सारे हैवी मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्दियों में जो जिसमें क्रीम, दूध, बादाम, पता नहीं क्या क्या डाल लेते हैं, वो सारे यूज़ मत करियो।
वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर तो यूज़ कर सकता है अगर तेरे को लग रही जरूरत कि हाँ मॉइस्चराइज करनी है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, लेकिन मिल्क वाला, क्रीम वाला, मलाई मक्खन वाला यूज़ मत करियो कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट गर्मियों में तो मत ही करियो, ठीक है। तो सनस्क्रीन के लिए तो ये करियो, जो बहुत ज़्यादा SPF वाली होती है वो मत लगा, वैसे भी अभी बाहर तो निकलना नहीं है, बाहर निकलेगा उसी दिन लगा, घर पर रहते हो ना भी लगाएगा तो चलेगा। यार थैंक यू यार भैया, दिल से थैंक यू यार, आप आए और आपने इतनी हेल्प करी यार, बहुत अच्छा लगा और बस यार मेरे को मज़ा आ गया यार भैया। चल कुछ भी भाई, तुम लोग के लिए कुछ भी। अच्छा चल अब मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे अनदेखा के शूट पर जाना है। अनदेखा? क्या अनदेखा? तेरे को अनदेखा नहीं पता? ओह मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो देख रहा था कि आप अपने फॉलोअर्स को जानते हो या नहीं। चल ठीक है, मैं तो आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब आपके 150-200 फॉलोअर थे। चल ठीक है वो भी। अच्छा इस वीडियो को अगर तुझे अच्छी लगी, तेरे को टिप्स अच्छी लगी तो उसको हाँ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यही ना सब पता मेरे को, और मैं बाकी लोगों को भी यही बोलूँगा कि हाँ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को, ठीक है, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ, मैं भी सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी घबरू हूँ। समझदार हो गया तो थोड़ी देर मेरे साथ रह के समझदार हो गया। चल मैं निकलता हूँ भाई, ठीक है, ध्यान रखियो अपना, बाय बाय। चलो बाय भैया, लव यू, और हाँ सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। भैया घबरू अरबन घबरू। अरबन गबरू।